नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेट इन्फोवीज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस एर्नाकुलम एसी दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन की। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। दोस्तों यह ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से एर्नाकुलम जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 122-23। यह ट्रेन 23 घंटे 25 मिनट में अपनी दूरी जो है वो कवर करती है। टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करती है वो है 1280 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड इस रूट पर है 54 किलोमीटर पर आवर। इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं और यह ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन चलती है, मंगलवार और शनिवार के दिन। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के डिब्बे अवेलेबल हैं। फर्स्ट एसी का किराया है 4690 रुपये, सेकंड एसी का किराया है 4010 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 2890 रुपये। या अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों, अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार ज़रूर कंफर्म कर लो। इसके अलावा इसमें पेंट्री कार्ड भी शामिल है जहां से हमें फूड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल और इसके स्टेशनों की। यह ट्रेन हर मंगलवार और शनिवार को रात के 8:50 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। दूसरा इसका स्टेशन आता है रत्नागिरी, जहां पर ये रात के 2:55 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है मनगांव जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 7:10 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है दोस्तों वो है मंगलोरु जंक्शन, जहाँ पर ये दोपहर के 12:10 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है कोशिकोर, जहाँ पर ये 3:22 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये अपने आखिरी स्टेशन एर्नाकुलम जंक्शन पर पहुँचती है रात के 8:15 पर और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।